सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शावेस खान और आप देख रहे हैं फ्लफी कैट्स। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देखा है, ये हमारा इंडिया में सबसे बेस्ट और शायद बिगेस्ट कैटी होने वाला है बालकनी में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी बालकनी है इस टाइम, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो 8 फुट है और जो लेंथ है पूरी वो है 22 फुट कम से कम। और इसके लिए हमने पहले ही अपने कैट के लिए ना बहुत बड़ा सा केज बनवा रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत मजबूत ये केज हमने बहुत बड़ा बना रखा था अपनी सारी कैट्स के लिए। क्यों दोस्तों, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो इन्हें ना बाहर आना बहुत पसंद है। ये आते सीधा केज में जाते हैं, किटो। और ये जो कैटियो बनवाने का मकसद है ये सिर्फ ये है कि हमारे पास है इस टाइम 7 कैट्स माशाल्लाह से, तो उनके लिए ये स्पेस ना मतलब थोड़ी कम पड़ जाती है ना। इसमें जब 7 कैट्स पूरी आ जाती हैं, फिर लिटल कब आ जाता है, तो उन्हें ना वो प्लेइंग एरिया नहीं मिल पाता। 1 या 2 या 4 कैट्स के लिए बहुत सफिशिएंट ये स्पेस है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 फ्लोर इसमें बने हुए, ठीक है। अंदर आप नीचे इजीली लिटर बॉक्स भी रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, जैसे कहीं जाना है, या छत पे रख सकते हैं केज को। बहुत मजबूत है, बंदर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत मोटा इसमें लोहा लगा हुआ है। बाकी जो मेन चीज़ है ना, ये जो हमारा छज्जा है, ठीक है, जो बालकनी है, इसको पूरा हम कैटियो में कन्वर्ट करने वाला है। ये आप पूरा देख लीजिए, पूरा ये कन्वर्ट होगा कैटियो में, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत शानदार सी कवरिंग लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगी लेज़र कटिंग वाली जाली जो बाहर से भी अच्छा लगे, और यहाँ पे पूरे जो जैसे ये है ना रेलिंग, ऐसे आयरन का बनेगा, लोहे का। बाकी जब बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो केज है ये सेल के लिए है, अगर कोई परचेज करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि अब ये मेरे किसी यूज़ का रहा नहीं है। जितनी मेरी इसमें कॉस्टिंग आई थी उतने ही प्राइजेस मैं आपसे आस्क कर रहा हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है, 14,000 रुपीज़ का ये मेरा बना था, ठीक है, 14,000 रुपीज़ में मैं इसे सेल कर दूंगा अगर कोई लेना चाहता है तो। क्योंकि अब यहाँ पे बहुत बड़ा था इनका कैट केज बनने वाला है, कैट कैटियो बनने वाला है, जिससे इजीली बर्ड्स को देख सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रेलिंग्स में ना बहुत ज्यादा गैप था और ये अच्छा नहीं है, इसमें से इजीली कैट्स निकल सकती हैं। तो पहले हम इसके रेलिंग में गैप कम करवा रहे हैं, हम पाइप लगवा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ से कैट नहीं निकल पाएगी, 2.5 इंच का सिर्फ गैप है। और ये जो हमारा पुराना रेलिंग लगा हुआ था ये देखिए कितनी सारी जगह थी, यहाँ पे देखिए अनीस भाई काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं रेलिंग के पार्ट्स ऊपर आ गए हैं, अब इनको फिक्स करना सिर्फ बाकी रह गया, सब चीज एकदम रेडी है। अभी आप देखिए पूरा खुला हुआ है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे जब यहाँ पे पूरा रेडी हो जाएगा और लग जाएगा। सो दोस्तों, फाइनली जो हमारा कैटियो है, जो हमने कवरिंग लगवाई थी बालकनी में, वो रेडी हो चुकी है। कैटियो पूरा भी रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको झलक दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा जो कवरिंग बनने के बाद। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था, ये पूरा ओपन था, ठीक है। और हम अपनी कैट्स को बंद करते थे इस केज में, क्योंकि यहाँ पे एक तो गिरने का खतरा है, क्योंकि आए दिन मेरे पास डेली कॉल्स आते हैं, फोन्स आते हैं, भैया हमारी बिल्ली छज्जे पे से कूद गई, गिर गई 8वीं मंजिल से, 2वीं मंजिल से। तो देखिए, हम तो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो बहुत बड़ा सा केज बनवा रखा था 7ों के लिए। और हम अगर बात करें जो हम आपको कवरिंग दिखा रहे थे अपनी कैट्स के लिए जो बनवाई, यहाँ पे देखिए बहुत शानदार हमने डिज़ाइन बनवाया है, ये देख लीजिए। और बाकी जो एरिया है ना वो ऐसा रखा है, देखिए 2.5 इंचज़ का गैप है इसमें, अगर मेजरमेंट टेप से नापते हैं 2.5 इंच का गैप है इसमें, तो इसमें से कैट नहीं निकल पाएगी, सारी एडल्ट कैट है हमारे पास। और ये देखिए अच्छे से पौधे यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे चीकू का पौधा है, चीकू इसमें आ रहे हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स वाला पौधा है, और ये नींबू आ रहे हैं इसमें, देखिए नींबू का पौधा है। तो ये सारे प्लांट्स इस वजह से लगाएं जिससे इनको एकदम नेचुरल वाइब आए कि हाँ भाई ये बाहर है, इन्हें सनलाइट मिल पाए। देखिए बैठे हुए, ठीक है, क्रिस्टल। यहाँ हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं बालकनी में। ये AC और स्पीकर्स के बॉक्सेस से जो मैंने अभी फ़िलहाल रख दिए थे अपनी कैट्स के लिए। अभी देखो मेन चीज़ क्या है कि इसमें ही बहुत सारी हमारी इन्वेस्टमेंट लग गई है, ठीक है, इसको कवर करवाने में। बाकी जो आप हमारी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, जो वॉल्स है ना, ये पूरे वॉल्स पे हम इनका प्लेइंग एरिया बनवाएंगे, जहाँ पे चल पाए, बैठ पाए, कूद पाए, इनका एक मतलब सारा, मतलब जैसे आप देखते हैं ना ऑनलाइन, बहुत शानदार सा प्लेइंग एरिया बनाने वाला है, ठीक है। अभी देखें कितना खुश ये घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सोफ़ा डाला है अपने बैठने के लिए, इस पर चादर ढक रखी है जिससे ये फाड़ ना दे, ठीक है, बहुत शानदार सोफ़ा है। और ये केज है हमारी कैट्स का, इसमें फ़िलहाल लिटर बॉक्स रखे हुए हैं, 2 यहाँ रखे हुए हैं, 1 यहाँ रखा हुआ है। अब दोस्तों फ़ायदा क्या है, अब हम अक्सर देखिए कैट्स को इंडोर रखते हैं,
ठीक है, वो इतना सही नहीं है। कैट्स को भी देखो, एक प्रेडिएटर है ना, इन्हें थोड़ा ओपन एरिया मिलना चाहिए जिसमें इन्हें धूप भी लगे, जैसे धूप आ रही है, ठीक है, बर्ड्स को देख पाए, बाहर की चीज़ें देख पाए, है ना। तो आपका अगर बालकनी है आपके पास तो आप ऐसे कवरिंग करवा सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने पहले केज रखा था ऐसे केज रख सकते हैं, नहीं तो फिर छत पे थोड़ा सा छोटा सा बनवा सकते हैं इनके लिए प्लेइंग एरिया। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मेरे जो लगे हैं वो पूरे मतलब इस साइज़ के हिसाब से 30,000 रुपीज़ लगे हैं, ठीक है। और ये जो गैप्स थे रेलिंग में, ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले ये ज़्यादा गैप था, ठीक है। अब इसको हमने इसको भी फिल करवाया। बहुत शोर है रोड पर, अभी मैं वीडियो दिन में शूट कर रहा हूँ, दिन में शूट कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है तो कुछ दिख नहीं पाता। ये देखिए बहुत शानदार, और मेरी सारी कैट्स यहीं रहती हैं। अभी ये गेट बंद कर रखा है, ठीक है, अब इन्हें पूरा एक्सेस है। देखिए मैक्स कहाँ बैठा है, अभी पूरे घर में भी घूमते हैं, उन्हें जब मन करता है बाहर आते हैं, खुली हवा में प्लांट्स के पास बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बनवाना हो, मैंने जो बनवाया, देखो किसी वेल्डर से बनवा सकते हैं वैसे तो, लेकिन जो हमने बनवाया वो हमने अनीस भाई से बनवाया, बहुत अच्छे वेल्डर हैं, ठीक है। आप चाहें तो उनसे बनवा सकते हैं, जैसा आप डिज़ाइन कहेंगे, ठीक है। जैसे गैप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि आपकी कैट बाहर निकल के कूद ना जाए, गिर ना जाए बर्ड्स के चक्कर में। तो दोस्तों ये चीज़ें बनवानी बहुत ज़रूरी हैं। बाकी इन्होंने जो प्राइजेस लिए हैं बहुत वाजिब रेट लिए हैं, ठीक है। हर तरीके का डिज़ाइन देखिए, कितना शानदार डिज़ाइन भी बालकनी में बना के दिया है, ये भी लोहे का है, ठीक है, मजबूत एकदम। तो मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसे कवरिंग अगर आपको करवानी हो, ठीक है, अपने कैट्स के लिए, अपने घर के लिए, तो आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छे रेट्स पर आपको वो बना के दे देंगे, ऑल इंडिया कहीं पर भी आपको अगर चाहिए हो तो। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी अपडेट आती रहेगी। नेक्स्ट जो अपडेट आने वाली है वो लिटर के ऊपर आने वाली है। ये लिटर है, ठीक है, एक ये वाला लिटर है और ये वाइट वाला इंपोर्टेड वाला लिटर है। इन टाइप के हमारे पास लिटर होते हैं, तो उनकी भी अपडेशन वीडियो जल्दी आने वाली है चैनल पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड जय हिंद।